एक जरा सी चाह में जिस रोज बिक जाता हूँ, आईने के सामने उस दिन नहीं आता हूँ। यह शेर शायरी गजल का वह पहला शेर है जो आलोक यादव जी ने लिखा है। मैं उनके इस संकलन कलम जिंदा रहेगा से पढ़ रहा हूँ और साहित्य तक के स्टूडियो में शब्द रथी कार्यक्रम में आज आलोक यादव जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आलोक यादव एक अफसर है, लेकिन अफसरी से पहले इनके जीवन में शायरी आती है। यह मैं नहीं कहता हूं, बल्कि फरहत एहसास साहब का कहना है कि आलोक के जीवन में शायरी अफसरी से पहले आई और फिर आती चली गई। आपका जन्म फर्रुखाबाद जिले में हुआ, कायमगंज जिले में, और आपकी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई। मैं इनके बारे में ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, बल्कि इन्हीं से जानूंगा इनके जीवन के बारे में, इनके लेखन यात्रा के बारे में, इनकी शायरी के बारे में, इनकी गज़ल और नज्म के बारे में। बतौर अफसर एक व्यक्ति ये केंद्र सरकार में एक बड़े पद पर हैं, वहाँ जहाँ सब कुछ व्यस्तता है, समय की सीमितता है, वहाँ कौन सा वक्त मिलता है जब आलोक शायरी लिखते हैं? और शायरी भी ऐसी नहीं, मैं कुछ शायरी पढ़ाऊँगा और कुछ आप सुनेंगे भी इनसे बातचीत में, तो आपको पता चलेगा कि इन शायरी में कितना दर्द है, प्रेम है, अपना समय है, समय के साथ उसकी संवेदनाएं हैं, समाज है, इतना ही नहीं सियासत पर एक अलग तरह का, जिसको हम कहेंगे कटाक्ष नहीं बल्कि उसकी सच्चाई सामने आती है। तो इतना कुछ कैसे कर लेते हैं आलोक जी? पहले शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, शब्दों से आपका प्रेम कैसे हुआ, और वो भी इतनी कठिन विधा में। शायरी कोई गजल कोई आसान विधा नहीं है, साहित्य की एक कठिन विधा है जिसमें हर शब्द नुक्ता उसके शब्दों के अर्थ हर चीज अलग है। कैसे आपके इधर? दरअसल शुरुआत इस तरह से हुई कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद जिले का हेडक्वार्टर है फतेहगढ़, वहाँ केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई है 12th तक जी। और हमारे घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, हमारे घर में हमारे पिताजी मैगजीन्स और अखबार रेगुलर मंगाते थे, मैं उनको पढ़ता था बहुत चाव से जी। और जो उस समय तो रेडियो होता था, टीवी तो मतलब ही नहीं था, टीवी था ही नहीं, रेडियो पे गाने भी सुनता था मैं। उसी दौरान पता नहीं कैसे कविता की तरफ मेरा जो है रुझान हुआ। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, इस तरह की जो रविवार, इस तरह की पत्र पत्रिकाएं हमारे घर में आती थी, और उसमें जो महान कवि उस दौर के छपते थे उनको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि ये एक ऐसी बात है जो हमारे दिल की भी है, मतलब कवि के दिल की होगी हमारे दिल की भी है, तो हमको छूती थी। और ऐसे कविता के प्रति रुझान हुआ, और पहली कविता मैंने लिखी थी जब मैं स्कूल में था। और यूं कहें कि गज़ल का जो छंद विधान था वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उस तरह का कुछ जो काफिया और अदीब, आपको याद है वो पहली जो रचना की है जो स्कूल के दिनों में आपने लिखी थी, कुछ उसकी हल्की धुंधली याद? या ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया, अफसोस ये है मुझे कि वो एक पत्रिका में छपी भी थी। अच्छा। किसी पत्रिका, कॉलेज की पत्रिका या किसी पत्रिका में छपी थी, लेकिन वो फिर इधर पूरा सब ट्रांसफर्स में और सब कहीं खो गया है। लिखी मैंने उस, वो ओकेजन था एक जी, जो हमारे सीनियर्स थे 12th क्लास में, उनका उनकी विदाई समारोह थी, और उसके लिए मैंने लिखी थी। तो उस भाव ये था कि मैं उनको विदा कर रहा हूँ तो उनके लिए कामना कर रहा हूँ कि वो जहाँ भी जाएँ प्रगति करें, अच्छे बने, और हमको याद रखें, हमारे अपने स्कूल को याद रखें, उस तरह से वो कविता थी। नहीं तो आप
ये बता रहे हैं कि स्कूली दिनों में ही आपकी रुझान जो है साहित्य की तरफ हो गई, आप पढ़ लिख भी साहित्य रहे थे, लेकिन इसी दौरान आपने सिविल सर्विसेज की तैयारियां भी की और बहुत सारी बड़ी डिग्रियां भी ली जी। तो स्कूल की पढ़ाई से जब आप कॉलेज की पढ़ाई में गए और फिर नौकरी के चयन तक आए, इस दौरान आपने अपने साहित्य को और अपने लेखन को कैसे बचाया, और कविता से आपका जो गजल की तरफ जो उन्मान आपका रहा है, उसकी जो यात्रा रही है, वह किस रूप में आगे बढ़ी? हुआ ऐसा कि जब मैं केंद्रीय विद्यालय में था और मैंने जब शुरुआत की, तो एक हमारे मित्र थे, उनके घर में ही एक उनकी जो बिल्डिंग थी उसमें एक किराएदार और थे, श्री कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव साहब जी। वो अच्छे कवि थे, अच्छे गीतकार थे और वहाँ सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। तो हमारे दोस्त की मदर जो थी, आंटी जी, उन्होंने बताया कि इस तरह से अंकल हैं और तुम उनसे मिलो। मैं उनसे मिला, उनसे कुछ सीखा और शुरुआत इस तरह से हुई। उसके बाद मेरा बीएससी में एडमिशन हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में चला गया मैं। तो उन्होंने मेरा परिचय वहाँ के लखनऊ के कुछ साहित्यकारों से भी करा दिया और वो सिलसिला ऐसा बढ़ा कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से चलता गया और फिर उन्होंने मुझे आकाशवाणी तक भी पहुँचा दिया। वहाँ मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, कविताओं के बाद मैं कहानी पे भी आया। अच्छा, हाँ, ये अच्छी जानकारी है। मैंने कई कहानी लिखी है और उस समय स्वतंत्र भारत अखबार हुआ करता था जी जी, लखनऊ से बहुत पुराना अखबार रहा है, बड़ा अखबार था, उसमें मेरी कहानियां छपी। मैंने एक आध फिल्म समीक्षा भी लिखी है। वाह। और वो उस समय जो अखबार होता था, जिस उसका मेरे दिमाग से नाम रहा है, उसमें कुछ फिल्म समीक्षाएं भी लिखी, कुछ पत्र और पत्र पत्रिकाएं थे उनमें भी मैंने लिख लिखे। तो कविता थोड़ी कम हुई, कहानी, और कहानी के बाद लेख की तरफ बढ़ा आगे। तो वहां से फिर गजलों की तरफ कैसे चले आए? उससे और इसके बीच में बहुत लंबा अंतराल रहा जी। लंबा अंतराल इस तरह रहा कि जब मैंने बीएससी कर लिया, उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमबीए में, तो एमबीए करने में चला गया। और एमबीए जब मैं कर रहा था तो वहाँ पे मैं जुड़ा वहाँ के साहित्यकारों से, वहाँ के पत्रकारों से, माया प्रेस से जुड़ा मैं, और मैंने मनोरमा के लिए बहुत सारे आर्टिकल लिखे सामाजिक और पारिवारिक विषयों पे। एक अंग्रेजी की अखबार, अंग्रेजी की मैगजीन थी सुंदरम के नाम से, जो नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर जो था उसकी पत्रिका थी, उसके लिए मैंने कुछ इंटरव्यूज और कुछ अच्छे रिपोर्ट लिखे, इंग्लिश में छपे। ऐसे इंग्लिश की और मैगजीन थी फेमिना, उसमें आर्टिकल लिखा मैंने। आकाशवाणी इलाहाबाद से भी जुड़ा रहा, वहाँ कुछ कविताओं के प्रोग्राम में भी गया, कुछ डिबेट में भी गया। आलोक जी, आपकी बातचीत तो मतलब जैसे जैसे हम आपके बारे में जानते जा रहे हैं वैसे वैसे एक जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। विज्ञान का विद्यार्थी जी, प्रबंधन का विद्यार्थी, उसके बाद अंग्रेजी में लिखना, हिंदी में लिखना, कविताएं लिखना, कहानी लिखना, लेख लिखना, हिंदी में भी लिखना, अंग्रेजी में भी लिखना, और उसके बाद उर्दू भाषा की तरफ आना और उसमें भी फिर गजल में इस तरह से प्रविष्ट हो जाना कि इस संकलन में हिंदुस्तानी भी है, उर्दू मिश्रित हिंदी भी है, और विशुद्ध हिंदी के भी शेर इसमें हैं। पढ़ रहा हूँ वेदना का व्याकरण में, हूँ समर में आज भी हर क्षण में, सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो, नोच फेंकूं वो मुखौटा आवर। मतलब इतनी परिष्कृत हिंदी वाली भी रचनाएं हैं और दूसरी तरफ गजलें जो विशुद्ध हिंदुस्तानी में है, ये आपने कैसे साधा इसको? दरअसल हिंदी तो मेरी मातृभाषा है ही जी, और हिंदी मेरी प्रिय भाषा भी रही। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उन दिनों में कादम्बनी पढ़ता था, कादम्बनी का कालचिंतन पढ़ता था, जिसके विषय में, जिसको बारे में हमारे टीचर भी हमको बता नहीं पाते थे। एक बार मैं लेके पहुंच गया वहाँ पे हिंदी शिक्षक के पास में, तो वो मुश्किल हो गई उनके लिए थोड़ी सी, लेकिन मैं पढ़ता रहा उसको, मैं समझ नहीं पाता था फिर भी पढ़ता था। वहां से मैंने बहुत सारे अच्छे शब्द, बहुत सारे विचार ग्रहण किए, और बाकी पत्रिकाएं भी थी।
जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय मैं और मेरे एक दोस्त थे तिवारी जी, हम दोनों में रहता था कि हंस और सारिका दो पत्रिकाएं खरीदनी है, एक वो खरीदते थे एक हम खरीदते थे, और हम दोनों अदल बदल के पढ़ते थे, उसकी कहानियां पढ़ते थे और लगातार पढ़ जाते थे, फिर उसके बाद चर्चा करते थे उस कहानियों पे, केवल पढ़ के नहीं रखते थे चर्चा करते थे। तो हिंदी तो इस तरह से रही, और उर्दू का ऐसा रहा कि मैं जब इलाहाबाद में था तो चूंकि उर्दू के प्रति रुझान तो बहुत शुरू से था, जब कविता के प्रति रुझान हुआ और कुछ योगदान जो था फिल्मों का भी रहा जो उस दौर की फिल्में थीं, और उर्दू के अच्छे अल्फाज मैंने वहाँ से आत्मसात किए। फिर जब मैं इलाहाबाद में था तो मेरा संपर्क हुआ डॉक्टर अतिया निषाद खान, अब नहीं है इस दुनिया में, उनके परिवार से जुड़ा रहा मैं, तो वो उर्दू की प्रोफेसर थी वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनसे मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया सर्टिफिकेट कोर्स में, बकायदा मैंने लिपि सीख ली। अच्छा, हाँ, तो आपने भी सीख ली। उर्दू की डिग्री भी? मैंने डिग्री तो नहीं लेकिन सर्टिफिकेट लिया। हाँ, मैंने सर्टिफिकेट और मैंने अच्छे नंबर से उसे पास किया, और पूरी स्क्रिप्ट मैं पढ़ लेता हूँ लिख लेता हूँ, हालांकि उसके बाद फिर चूंकि जबान का इस्तेमाल न करें तो दिमाग से चली जाती है। मैंने जब ये दोबारा शायरी शुरू की 2012-13 में शुरुआत की, तब फिर मैंने फिर से उर्दू सीखी। तो बीच में जो विराम आया वो किस लिए है आपकी, मतलब आप स्कूल कॉलेज तक आपने उर्दू से आपका लगाव, मतलब आप सृजन से आपका लगाव इस तरह का था कि आपने उसके लिए बाकायदा एक भाषा सीखी जी। और लिखते भी रहे लगातार, फिर बीच में एक बड़ा आपके हिसाब से एक विराम आया है। हाँ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी उसके बाद मैंने एक प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करता रहा मैं, उसके बाद कुछ और जॉब चेंज किया मैंने। 93 में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी पूरी तरह से शुरू की, जिसको कहते हैं कि पूरे मनोयोग से तन मन धन से, और उस समय मैंने सब लिखना बंद कर दिया। मेरा आखिरी आर्टिकल छपा था दैनिक जागरण में 93 में, और आखिरी कविता छपी थी सरिता में वो भी 93 में, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। 20 साल बाद 2013 में फिर से लिखना शुरू किया मैंने। 20 साल का गैप इसलिए रहा कि वो जद्दोजहद रही कि हमको अपना जो लक्ष्य था सिविल सर्विसेज का वो प्राप्त करना था, तो उस कोशिश में लगे रहे। फिर उसके बाद जो है उसमें सेटल होना था, फिर परिवार का जिम्मेदारियाँ थी, थोड़ा सा जब आराम मिला। अभी आप जो है एक प्रशासनिक पद पे हैं, काफी जिम्मेदारी वाला पद आप संभाल रहे हैं, प्रशासन और शब्दों को साधना, कौन सा ज्यादा आपको आसान लगता है या कौन सा कठिन है, और किस में आप किस रूप से एंजॉय करते हैं? देखिए, प्रशासन तो एक अलग चीज है, और शब्दों का योगदान तो वहां भी है, बोलने वाला भी लिखने वाला भी, लेकिन वहाँ की शब्दावली अलग है, और वो तो हम कर ही लेते हैं, हमने ट्रेनिंग पाई है। ये जो दूसरा है साहित्य में, साहित्य और जो शब्द साहित्य के लिए जो हमने अर्जित किए, जो हमने आत्मसात किए, जिनका उपयोग मैं करता हूँ, वो दिल की बात है। वो आसान भी है क्योंकि दिल की बात है, अपने आप आती है, अपने आप चलती है, दिमाग में चलती है, लिखे जाते हैं। और मुश्किल इसलिए है कि कुछ अच्छा लिखने के लिए अच्छे अनुभव, अच्छे ख्यालात हों, और उनको हम ट्रांसलेट कर सकें एक शेर में। इसके शिल्प पर आपने कुछ काम किया है, क्योंकि जो गजल की जो विधा है वह अपने आप में बहुत ही परिष्कृत है, या कहें कि कठिन है जी। सामान्य तौर पे कविताएं लिखना और आधुनिक कविताएं लिखना अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया है। अगर हमारे पास भाव हैं और शब्द हैं तो मैं कविताएं लिख सकता हूँ, लेकिन गजल के लिए आपको एक विधा में पारंगत होना पड़ता है। उस रूप में नज्म भी बहुत आसान है गजल की तुलना में, तो इसके लिए आपने अलग से कुछ किया था, कोई प्रयास किया आपने या किसी से सीखा हो,
या दोबारा जब आपने लिखना शुरू किया हो तो अपनी गजलें किसी को दिखाई हो, अपने मित्रों को, सहयोगियों को या वरिष्ठों को, उनके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। जरूर। हुआ ऐसा कि गजल के प्रति जो एक आकर्षण था, एक लगाव था, वो तो शुरुआत से था। और जैसा कि मैंने बताया, आदरणीय कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि गजल का एक मीटर होता है और काफिया होता है, एक रदीफ होता है, लेकिन मीटर का सही सही ज्ञान तो नहीं मिल पाया मुझे। इसीलिए मैंने कुछ अलग तरह की कविताएं उस दौर में लिखी। 2013 में जब 20 साल बाद दोबारा लिखना मैंने शुरू किया, उस समय क्या हुआ कि गजल के जो आकर्षण था वो फिर से उठा और दिमाग में, और मैंने कहा कि मुझे गजल सीखनी है बाकायदा। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, मुझे मेरा परिचय कराया कील नुमानी साहब से, जो बहुत बड़े शायर हैं, उस्ताद शायर हैं, बरेली में रहते हैं, बरेली के पास एक मीरगंज तहसील है, वहाँ रहते हैं। मैं बरेली में पोस्टेड था और मैं तलाश रहा था कि एक उस्ताद मुझे मिले। एक प्रशासनिक अधिकारी मनीष शुक्ला जी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, लखनऊ में रहते हैं वो। उन्होंने मुझसे मेरी उनसे बात कराई और इस तरह से बात शुरू हुई। मैंने उनसे ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि कभी आप बरेली आएँ तो मुलाकात हो और मैं कुछ मुझे कुछ आप सिखाएं। वो आए और उसके बाद से अब तक लगातार मेरा उनसे सीखना जारी है। और उन्होंने मुझे जो गज़ल का जो शिल्प है, जो फन है, वो अच्छे से सिखाया भी। और मैं चूँकि साहित्य के साथ, साहित्य तो मेरा शौक रहा, लेकिन विद्यार्थी में विज्ञान का रहा, तो मेरे अंदर हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि मैंने जो लिखा है वो मैं उनको जब दिखाता हूँ तो इस्लाह जब करते थे तो मैं उनसे तर्क करता था कि ये कैसे। और इसीलिए मुझे उनके प्रति ज़्यादा वो रहा कि उनसे ज़्यादा सीख पाया, क्योंकि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, वो परिश्रम आपका आपके संकलन में भी दिखता है। मैं केवल दो अलग अलग पन्नों, दो अलग तरह की गजलों से दो शेर पढ़ रहा हूँ, उससे आपको पता चलेगा। फैसला मुमकिन है यूं, मुनसिफ अगर आदिल न हो, कत्ल तो होते रहें साबित कोई कातिल न हो। आदिल का अर्थ है न्यायप्रिय हूँ। और इसके ठीक सामने चाँद से है या है तुमसे चाँदनी, चाँद से है या है तुमसे चाँदनी, चाँद था पर थी न पहले चाँदनी। ये दो अलग अलग बिंब हैं जी। एक तरफ आप न्याय की, सत्य की बात करते हैं, हमारी व्यवस्था की बात करते हैं, दूसरी तरफ एकदम प्रेम की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। आपकी जो गजलें हैं, जो इस संकलन में भी शामिल हैं, कलम जिंदा रहेगा में, और जो आपको मंचों पर भी कई कार्यक्रमों में जब हम सुनते हैं, साहित्य आज तक में भी आप पहले आ चुके हैं जी, अलग अलग तरह के हैं। आप भावनाओं के इस उतार चढ़ाव और अलग अलग बिंबों को कैसे साधते हैं, आपकी लिखने की प्रक्रिया क्या है, लेखन प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में थोड़ा खुलासा करें, जरा बताएं दर्शकों को, ताकि कि कौन सा वक्त है जब आप लिख लेते हैं, या कैसे आप शेर व शायरी लिखते हैं और अब समझते हैं कि ये गज़ल मुकम्मल हो गई, कोई गज़ल एक बैठकी में पूरी कर लेते हैं, या उनमें बहुत सारा वक्त लगता है, या अलग अलग तरह की शेरों को आप जुटाते हैं और फिर समझते हैं कि ये हमारी एक गज़ल मुकम्मल हो गई, प्रक्रिया क्या है? जी, अच्छा सवाल है और अक्सर लोगों के मन में होता है। जैसे आपने पहले एक बार सवाल किया था कि वक्त कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, तो मुश्किल यही है कि हमारे पास वक्त थोड़ा कम होता है और मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वक्त की कमी में एक गज़ल एक ऐसा सिंफ है, ऐसी विधा है जो सबसे ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि एक शेर में दो मिसरों में अपनी बात कहना है और पूरी बात कहना है, ये नहीं कि उसमें कविता आगे चलेगी, हर शेर अपने आप अलग कविता है। तो जब भी कोई ख्याल आता है वो एक शेर में ढलता है, उसके बाद फिर आगे की गज़ल चलती है। ये एक सेटिंग में हो ज़रूरी नहीं है, और सच बात यह है कि एक सेटिंग में बहुत कम गज़ल मैंने कही है, हुई हैं लेकिन बहुत कम हुई है।
तो ये गज़ल की जो विधा है मुझे ये सुविधा देती है कि मैं अपनी बात को अलग अलग समय में कह सकूँ। मैं दफ्तर में काम करते समय, फाइल पे साइन करते समय भी, अगर फाइल पे कुछ ऐसा है या सामने वाले के चेहरे पे कुछ ऐसा है या सामने वाले की बात में कुछ ऐसी बात है, तो वहाँ से भी एक शेर जन्म ले सकता है। और वो जब शेर जन्म लेता है तो उसको मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर उस पर कभी वक्त मिलता है तो उस पर नज़र सानी करता हूँ, दोबारा देखता हूँ उसको, और फिर उसके बाद उसको डेवलप करता हूँ। आपको ये कभी नहीं लगा कि आप पहले कभी कहानियाँ लिखते रहे तो कहानियों की दिशा में भी आगे बढ़े या उस पर कुछ काम कर रहे हैं तो बताएं? हाँ, मेरा बहुत मन है। सच बात तो यह है कि मैं देखिए, हर गज़ल के पीछे वैसे कहानी होती है, हर शेर के पीछे भी एक कहानी है। तो मैं कहानी तो अभी भी लिख रहा हूँ, उसका फॉर्मेट अलग है। मैं दो लाइन की कहानी लिख रहा हूँ, दो मिसरों की कहानी लिख रहा हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही है। मैं अब चाहता हूँ कि मैं कहानी भी लिखूँ, और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ लघुकथाओं से। लेकिन मुश्किल यह है कि जो बात मैंने कही कि शेर तो मैं अभी ऑफिस में बैठ के भी, अभी आपसे बाहर निकल के भी लिख सकता हूँ। कहानी लिखने के लिए मुझे वक्त चाहिए और एक लगातार एक सेटिंग चाहिए। लेकिन हाँ, ज़रूर देखेंगे आप मुझे। हो सकता है कि अगले कुछ समय में अगली चर्चा आप मेरी कहानी किताब पे करें। बहुत अच्छी, बहुत शुभकामनाएं मेरी। मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं ये पूछूं कि इस संकलन में किसी रचनाकार से यह पूछना बड़ा कठिन काम है कि उसकी जो रचनाएं सामने हैं उनमें से कौन सी अच्छी है, लेकिन इनमें मैं ये पूछूं कि कौन सी ऐसी गज़ल है जो आप बहुत आपके दिल के करीब रही है या जिसको लिखने के बाद आपको लगा कि नहीं, ये बात मैंने मुकम्मल कहा है, ये पूरी तरह से है, ये आलोक यादव की गजल है और जो दूसरों से अलग है, या ये मैंने कहा यार अच्छा है, आनंद है, ये कौन सी है? अगर और अगर है इसमें तो क्या आप उसे हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? देखिए, मुश्किल सवाल है, और आप किसी भी साहित्यकार से या किसी भी कवि से पूछ लीजिए तो अपनी किसी एक गज़ल को नहीं कह सकता। जैसे लता जी कभी एक गाने को नहीं कह सकती कि उनका सर्वश्रेष्ठ गाना है, निश्चित रूप से। तो लेकिन फिर भी मैं वो बता सकता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको मैं सुनाता भी हूँ अक्सर। वो इस तरह की कुछ गज़ल हैं, इस संकलन में भी हैं। एक गज़ल है जो कि कादंबनी में छपी थी, और इसमें मैंने पीछे दी, हालांकि ये गज़ल पिछले संकलन में भी आ चुकी है, इसमें रिपीट किया मैंने इस गज़ल को। उसका शेर जो मतला है वो बहुत लोगों को पसंद आया, और मतला ये है कि अब ना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, अब ना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता। क्या बात, बहुत। इस गजल में ये मतला मुझे बहुत पसंद है, हालांकि आगे शेर भी अच्छे हैं। हाँ, लेकिन पूरी सुना लेकिन दें, आप सुना दें, आप सुना रहे हैं कैसी इसके, शायर को ऐसे छोड़ना बहुत। इसके दो तीन शेर मैं सुनाता हूँ जो अच्छे मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी शेर तो है ही है। एक शेर ये है कि जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूं। और इसका जो आखिरी शेर है, मक्ता जो है, वो भी मुझे अच्छा लगता है कि है कलम तलवार से भी तेज तर आलोक तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तर आलोक तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूं। क्या बात। इस गजल के तीन शेर मुझे बहुत पसंद है, और इसी तरह के इसी के साथ जो दूसरी गजल उस पत्रिका में उसी अंक में छपी थी, वो लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई, मुझे भी बहुत पसंद है उसका। उसके एक दो शेर मैं आपको सुनाता हूँ, उसके अधिकतर शेर बहुत पसंद है मुझे। मतलब यह है कि मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे। क्या बात, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। बहुत। और राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। राजनीति पे भी कटाक्ष है और सच भी है।
हाँ, समय का। राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछले जाएंगे। और ये शेर देखिए कि जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब। क्या बात, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। क्या बात। और ये शेर है कि देखिए ब्यूरोक्रेसी को ध्यान में रख के एक शेर आया कि शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। क्या बात। आप एक बात बताइए कि ये जो शायर आलोक है, ये तो बहुत ही कई जगह जो है अपनी सीमाओं का, मैं कहूं कि अतिक्रमण करता है, मतलब बड़े ही क्रांतिकारी भाव है। तो जो शायर आलोक है और जो अफसर आलोक है, अफसर आलोक को शायर आलोक से कभी डर नहीं लगता कि इतनी शिद्दत से, क्योंकि आपकी जो प्रशासनिक सेवा की ट्रेनिंग है जी, प्रशिक्षण है, वह हर चीज को बहुत नपातुला बताता है। दूसरी तरफ आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो लेखनी है, उसका कोई बंधन नहीं है। आपने जो अभी शेर पढ़े वो अपने आप में बहुत ही मुकम्मल हैं और समय की आवाज़ हैं। उनमें कहीं ना कहीं राजनीति, व्यवस्था, हर चीज़ पर एक अलग दृष्टि है जी। तो अफसर आलोक को शायर आलोक से कभी डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता, बल्कि इससे बेहतर होता है, क्योंकि जो कवि आलोक है वो अफसर आलोक को थोड़ा बेहतर बना देता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। और यही बात आपको शायद शायर और कवि बड़ा बनाती है, बनिस्पत आपके अफसर व्यक्तित्व से। आप जहाँ हैं वहाँ पद की अपनी गरिमा होगी, लेकिन साहित्य और शायरी के क्षेत्र में, किताबों के क्षेत्र में जो लोग आपको जानते हैं, जिन्होंने आपको सुना है, वो आपकी इस बात की तारीफ करते हैं जी। अब मैं एक आखिरी सवाल इस संकलन के बाद जी, और क्या कुछ आ रहा है जो आप जिस गति से लिख रहे हैं, आपने पहले ही बहुत विलंब कर दिया है, मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा जी। जिस व्यक्ति ने स्कूली दिनों में लिखना शुरू किया, 20 साल का एक लंबा अपने को विराम दिया, उसके बाद 2013 से शुरू किया, हम 2022 में बात कर रहे हैं, तो जिस अनुपात में लिखना चाहिए, ठीक है, समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में, गज़ल और शायरी के क्षेत्र में जो लोग आपको सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो आपके प्रेमी हैं, और जो नहीं भी प्रेमी हैं, जो अभी आपको सुन रहे होंगे, उनकी इच्छाएं होंगी कि कुछ और आए, बार बार आए, तो उस दिशा में क्या चल रहा है, नया कुछ क्या आ रहा है, और साथ ही कुछ गज़लें ज़रूर सुनाएं, कुछ और शेर सुनाएं। ज़रूर, दरअसल बात यह कि जैसे गज़ल जो है ना, वो दो मिसरों में पूरी बात कहते हैं, और पूरी गज़ल में 5 से 7, 9 शेर, 11 शेर होंगे, तो संक्षिप्त बात कहना सबसे अच्छा लगता है मुझे। मेरे दिल के करीब है कि मैं कम बात करता हूँ तो कम कहता भी हूँ, कम लिखता भी हूँ, और जो लिखता हूँ श्रेष्ठ लिखता हूँ। कोशिश ये मेरी कि मैं उस गज़ल को, उस शेर को आपके सामने लाऊँ जो मुझे वास्तव में लगता है कि हाँ, ये इस लायक है कि आपके सामने लाया जाए। लिखने को तो रोज भी लिखा जा सकता है जी, लेकिन मुझे उसकी उपयोगिता नहीं लगती, और इसीलिए मेरा पहला संकलन 2016 में आया था, उसी के नाम जी। ये लोग भारतीय प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ, राजकमल समूह से, और उसके 6 साल बाद 2022 में आपको ये संकलन मिला है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत
आप लोगों को बहुत ही अपने प्रशंसकों को एक तरह से तरसा कर कोई कृति देते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि प्रशंसकों के हाथ में वो आए जो मथने से जो लोनी निकलती है, जो मक्खन निकलता है। अगर मैं वो दे सकूं तो मैं अपने आप का अपना लेखन और अपने लेखक स्वरूप को सिद्ध करता हूं, सार्थक करता हूं और मुकम्मल समझता हूं। तो इसलिए कम लिखना ज्यादा बेहतर है। चलिए, जैसे कि आपको वक्त पे पढ़ लें आप उसको, आप कुछ इसमें से सुनाए और इसका मतलब अगली किताब के लिए क्या 6 साल और इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, संभव है। तो कहानियों की किताब जल्दी ले आइए। हाँ, मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि लघु कथा है आपके पास पिछले 2 दशकों से अधिक का जो आपका प्रशासनिक अनुभव रहा है उसने आपको बहुत व्यापक अनुभव से बेशक समृद्ध किया होगा। तो कहानियों की किताब पहले आ जाए तो कम से कम कुछ पढ़ने को मिलेगा। आपकी राय अच्छी है और मैं भी यही चाहता हूँ कि अगली पुस्तक मेरी कहानी क्या है और लघु कथाओं की। तो मैं जो गजल आपको सुना रहा था उसके चंद शेर और सुन लीजिए, क्योंकि इस गजल का हर शेर मुझे पसंद है और लोगों ने भी पसंद किया है। इसका शेर यह है कि कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में ना हमसे सांप पाले जाएंगे। क्या बात। कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में ना हमसे सांप पाले जाएंगे। और ये भी शेर है कि मोहब्बत के नाम भी शेर है इसी गजल में। अलग अलग रंग के शेर हैं कि दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। बहुत सुंदर। और ये शेर भी है कि प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। क्या बात, बहुत सुंदर। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। और ये भी शेर अच्छा है कि अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना लीजिए। क्या बात, बहुत। अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। ये जो 2-3 गजल हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, और इधर जो लिखी गई गजल है उसमें आपको दिखेगा इधर का जो कर्ब है, इधर की जो पीड़ा है, जो कोविड के दौर का वो आपको दिखेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दो कोविड के दौरान आपने शायद इस पुस्तक में किसी ने जिक्र किया है किसी आपकी निजी घटना का है या जी। आप उससे मैंने इंतसाब में लिखा है, मैंने समर्पण में लिखा है जी। तो मैंने खुद एक ऐसा दौर झेला है, पिछले साल अपनी पत्नी खोया, तो वो दर्द भी आपको दिखेगा इस संग्रह में। एक गजल ऐसी सुनाता हूँ मैं आपको कि हाथों में हाथ देकर अपना हकीम जी को बेबस से देखते हैं हम उनकी बेबसी को। कोविड में ऐसा ही बीता सब जी। हाँ, हाथों में हाथ देकर अपना हकीम जी को बेबस से देखते हैं हम उनकी बेबसी को। इस घर की सारी खुशियां रखकर काम भावुक क्षण आपके लिए मैं समझ सकता हूं। हमें इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए था। आलोक जी के साथ कोविड के दौरान आपको अपने जीवन साथी थोड़ा मुश्किल है, जीवन संगिनी को आपने जो खोया उस भावनाओं को लिखा है हम समझ सकते हैं। हम इस गजल को छोड़ते हैं और किसी उनके प्यार में जो लिखा है उस पर वो सुना दें, छोड़ें इसको, उनकी विदाई की बेला को याद न करें, वो ज्यादा भावुक कर देगी। नहीं, गजल सुनाता हूँ, ये वाली सुनाता हूँ जी। कि इस घर की सारी खुशियां रखकर कहाँ गई तुम, ढूंढे हैं मिलके सारे मिलती नहीं किसी को। क्या बात, ख्वाबों से खेलती हैं गूंगी पहेलियां जब,
ख्वाबों से खेलती हैं गूंगी पहेलियां, जब आती है तब उबासी यादों की चांदनी को। जब जब भी हमको घेरे साए उदासियों के, जब जब भी हमको घेरे साए उदासियों के, हम बदहवास होकर आवाज दें तुझी को। तन्हाइयां जलाती शब के अलाव में सब, तन्हाइयां जला दी शब के अलाव में सब, यादों को करके यकजा बहला रहे हैं जी को। ये गजल है। आप समझिए कि शायरी की, शब्दों की, साहित्य की ताकत क्या होती है। वह आपको जीने का किस तरह से सहारा देता है, किस तरह से दृष्टि देता है, किस तरह से ताकत देता है, और केवल खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करता है कि वे किसी भी समय में, किसी भी तरह के भाव में, किसी भी तरह की घटना से उबर सकें और उबार सकें। शायद शायरी की ताकत नहीं होती तो आलोक जी इतनी बड़ी बात को इस ढंग से आपके सामने नहीं रख पाते। बेशक आप शब्दरथी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपके कहानी संकलन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हाँ, और मेरी तब भी तक इच्छा। आप देखते रहें साहित्य तक, हम ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।